स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के 900 पदों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं आप जो है बन पाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका 12वीं पास है, तो अब मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ और इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो हॉस्टल अधीक्षक श्रेणी द के सिलेबस की बात करें तो टोटल 150 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके एक अंक के होंगे और इसमें जो है कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 अंक लाना जो है अनिवार्य होता है, 50 में से 25 अंक। तो कंप्यूटर्स की बात करें आपके पूरा सिलेबस की, कंप्यूटर्स के कौन कौन से टॉपिक्स आएगा, तो इसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग जो है कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार इंक जेड, लेजर जेड और अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जिसमें कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्विस, वेबसाइट सर्विस, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी होना चाहिए, एंटीवायरस के बारे में आपको जो है CD/DVD के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 25 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, 50 अंकों के, जिसमें आपको 25 अंक जो है किसी भी हाल में आपको 50 में से 25 अंक लाना ही लाना है। यदि आपका 50 में 25 अंक नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वहीं हिंदी के बात करें तो हिंदी के व्याकरण से 10 अंकों के पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होगा जिसमें हिंदी से प्रश्न जो है ना पूछे जाए, तो इसलिए आपको हिंदी की तैयारी जो है व्याकरण की तो अच्छे से करना है। तो इसमें हम बात करें तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार जिसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से जो है हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है अवश्य रूप से क्वालिफाई हो पाएगा। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइज, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, ये 22 आपके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, वोकैबुलरी, इनोनिम्स, इनोनिम्स, विलोम शब्द, पर्यायवाची इंग्लिश के, ये सभी आपके पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ बुक के बारे में। इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश, इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक आपको लेना है। यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से जो है पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें गणित के, तो इससे 20 अंकों के प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो गणित में आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, चाल, समय तथा दूरी, ये सभी साधारण ब्याज हो गया, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, रेखा तथा कोण, समतली आकृतियों का जो है क्षेत्रफल, तो ये सभी मैथ्स में आपके एग्ज़ाम्स में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक जो है आप ले सकते हैं। यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से जो है पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको गणित के बारे में जो है संपूर्ण नॉलेज भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो जिसे 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपका
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, जिसमें आपका मुख्य मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, तो इनसे संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो 4 अंकों के आएंगे। फिर भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपका भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, और भूगोल से भी प्रश्न आएंगे, जिसमें भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, चेतना, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य प्राणी, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण, तो इन सभी टॉपिक से जो एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जनरल साइंस से भी प्रश्न आएंगे, तो साइंस की तैयारी करने के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी साइंस की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ आपके करंट अफेयर्स से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो सी जी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, तो सी जी करंट अफेयर्स के लिए आप जो है दोनों से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपके करंट अफेयर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है, तो इस तरह से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणी तक के 900 पदों पर जो है आपका जल्दी वैकेंसी आने वाला है, जिसके लिए आप जो है आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो इन सभी बुक से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर देखने को मिल पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस जो है लेकर आ सकूँ। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट्स रहेगा तो बेझिझक हम जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ जितना हो सके आप जो है कमेंट कीजिए, ताकि सभी के कमेंट का मैं जवाब दे पाऊँ। तो इसी तरह से आप लोगों को नई नई वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। तो हॉस्टल वार्डन श्रेणी तक के जो है 900 पदों पर आपके जो है भर्ती होने वाला है, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी में जो है जुट जाइए, और हॉस्टल वार्डन श्रेणी तक के 900 पदों पर आपका जो है भर्ती होने वाला है, 900 पोस्ट आएगा, और जब भी इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगा मैं आप सभी स्टूडेंट को जो है बता दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसी से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू आपका।